बिस्मिल रहीम वालेकुम एंड वेलकम बैक जैसे कि आप जानते हैं हमारा जो लंडा सीरीज़ है इस्लामाबाद राहुल पिंडी के फेमस और बड़े लंडा बाज़ार सीरीज़ का ये एक और एपिसोड है ये है इंसाफ इंपोर्टेड सामान के नेम से ये है हमारे लाल कुर्ते में मौजूद है ये भी ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करते हैं बट इनके नंबर्स मैंशन है अगर आपको एड्रेस वगैरह लेना हो इनके डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी इनके पास बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छे हाउस होल्ड आप कह लें मेकअप कह लें एंड ट्रॉइस वगैरह की आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलने वाली है अब ये हैंगर था यह, जो ज्काफ हैंगर होता है अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम देखने में मुझे भी समझ नहीं आई थी तो मैं आपको गाइड करती जाऊँगी यहाँ पर आपको सब जो है लंडे की जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी वरायटी मिलेगी इसका मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर इसकी एक एपिसोड शेयर करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आउट क्लास चीज़ें थी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी यहाँ पे आपको बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे उसके अलावा आपको डेकोरेशन की यहाँ पे जो वैरायटी है और जो जिस रेंज में है यहाँ की रेंज बहुत अच्छी है अदरवाइज इस तरह की जो वैरायटी आपको घर आपको मिलती है इस्लामाबाद वगैरह में इवन के लंडे में ही क्यों ना हो तो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं न्यू भी हैं जैसा कि टॉयज हैं और डाई कास्ट के यहाँ पे आपको क्रॉकरी जो मिल जाएगी वो भी यहाँ पे न्यू है स्पेचुलाज वग़ैरह और कुछ सिलिकॉन मोल्ड्स वगैरह भी यहाँ पे न्यू है मेकअप की वैरायटी में भी कुछ न्यू चीज़ें हैं मेकअप का सेक्शन में ये है पूरी एक छोटी सी शॉप है लेकिन मैंने क्या किया है इसको सेक्शन वाइज डिवाइड किया है यहाँ इंटर होते साथ ही आपका एक लेफ्ट पे जो है मेकअप कॉर्नर है वो अभी बंद था तो मैं आगे जाके आपको डिटेल में दिखाती हूँ क्योंकि इनका नमाज और खाने का कुछ टाइम था तो ये इस टाइम बंद था यहाँ मेकअप के सेक्शन के बिल्कुल साथ आपको ट्वाइस का सेक्शन मिल जाएगा बहुत ही अच्छी वैरायटी और काफ़ी अच्छी कंडीशन में जो थे यहाँ पे आपको ट्वाइस मिलने वाले हैं और ट्वाइस रेंज भी अच्छी थी थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड थाउजेंड एवन के जो बहुत बड़ा था वो आपको टू थाउजेंड की रेंज में बता रहे थे लेकिन लेस कर रहे थे 1100 1200 की रेंज तक आपको लेस कर देते थे अब ये मैंने एक हाउस देखा था ट्राइस स्टोरी थ्री इन्होंने थाउजेंड रुपीज़ का एलेवन हंड्रेड रुपीज़ का फाइनल किया था कि आपको फाइनल दे, दे देंगे ये मैनुअल प्लेइंग गेम है बच्चों की उस लिहाज से इसके बच्चे आपको मैनुअली वो ड्रैग करेंगे या कार जो भी है ये मैनुअली थी और कुछ ये थी हमारे पास वीडियो गेम्स वगैरह की थी चल नहीं रही थी लेकिन यह है कि काफ़ी यहाँ पे ट्वाइस के रीज़नेबल रेट से एक ही बॉक्सेस थे यहाँ पे नीचे पजल बॉक्सेस थे और किस किस टाइप के ये सारे ट्वाइस के बॉक्सेस थे मैं आपको ओवरऑल वैरायटी एक शो कर रही हूँ पज़ल बॉक्सेस एंड बुक्स काफ़ी सारी स्टोरी बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी यहाँ भी आप ये किस चीज़ का बॉक्स था मुझे तो खुला ही नहीं पता नहीं किस चीज़ का बॉक्स था लॉक लगा हुआ था या मे बी कोई इसका कोड था जिससे इसको खुलना था लेकिन यहाँ पे अच्छा आपको ट्वाइस की अच्छी वैरायटी मिल जाएगी उसके बाद इसके साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेम्स की वैरायटी नज़र आने वाली है शॉप में आपको हर साइज़ का फ्रेम भी मिल जाएगा और इनके रेट्स भी बहुत ही मुनासिब थे इवन के जो छोटा साइज़ फ्रेम का है वो फिफ्टी रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा है उसी के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहे हैं चॉपर सैंडविच मेकर ब्लेंडर्स इवन यहाँ पे न्यू भी हैं न्यू की प्राइस यही न्यू वाले ही देते हैं आपको और जो यूज पिस्टा पुराने हैं वो हज़ार पंद्रह सौ लेकिन ये कि वर्किंग कंडीशन में चेक करवा के देते हैं चेक इन वारंटी होती है उसके अलावा कोई वारंटी नहीं है यहाँ से मैंने चॉपर परचेज किया इलेक्ट्रिक मुझे इन्होंने 1200 का दिया है ये छोटा वा, वाटर डिस्पेंसर था ये आई थिंक 2500 फाइव का ये बता रहे थे लेकिन ये है कि प्राइस रेंज इनकी अच्छी है सैंडविच मेकर इसका इन्होंने थाउजेंड बताया था लेकिन ये रस्टेड था और थोड़ा सा इसका जो है वो ख़राब हुआ था तो मैंने इस पर बार्गेनिंग ही नहीं की है और काफ़ी न्यू मैंने जैसे कि बताया था यहाँ पे न्यू पड़े हुए उनके रेट्स बिल्कुल न्यू वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उसके अलावा यहाँ पे आपको फानूस जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छे रेट में मिल रहे थे लाइक फाइव थाउजेंड जो बहुत बड़े साइज का था वो एट थाउजेंड का था अब ये लैम्प था उसके साथ ये फर वाले इसके जो भी ऊपर कहते हैं लैम्प था बहुत ज़बरदस्त ये फाइव थ्री थाउजेंड का था सॉरी उसके अलावा आपको कुछ कमर्शियल जो हैं वो भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिल जाएंगे एल वग़ैरह थी सैंडविच मेकर वगैरह थे सैंडविच uh, मेकर जो परफेक्ट कंडीशन में था सिंगल वाला था थ्री इन वन या टू इन वन वाला नहीं सिंगल जो था वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टू टू थाउजेंड इस तरह आते हैं लेकिन लेस कर देते हैं यूज वाले आइटम्स की हैं आप बार्गेनिंग करा सकते हैं न्यू पर इतनी बार्गेनिंग नहीं करते हैं ये लेकिन यहाँ पे आपको दोनों मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इसके अलावा पॉलर यूज वाले जिसका क्रिम्पर स्ट्रेटनर कलर वगैरह ये भी आपको मिल जाएंगे वो मैं अलग से मेकअप सेक्शन में भी आपको दिखाऊंगी और इसके अलावा यहाँ पे जो बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में आपको ऑल पार्ट्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहे थे जैसे कि आप यहाँ यह पर ये चोपर था इसके सारे पार्ट्स मौजूद थे एट थाउजेंड का था कैनवुड का ओरिजिनल था एट थाउजेंड आस्किंग थी लेस कर देते हैं ओरिजिनल था और इसके सारे पार्ट्स मौजूद थे उसके अलावा यहाँ पर क्रॉकरी की काफ़ी ज़्यादा वरायटी आपको मिल जाएगी देखने को हाँ क्रॉकरी इनकी काफ़ी रीजनेबल प्राइस में थी और यहाँ पे आपको नॉन स्टिक पैन सॉस पैंस, पैंस कढ़ाइयाँ इतनी काफ़ी बड़ी साइज़ की यहाँ पे कढ़ाइयाँ भी मिल जाएंगी इसके अलावा वेट मशीन वगैरह सारे जो है और रेट इन स, इनके बहुत मुझे मुनासिब लगे थे इसके अलावा यहाँ पे आपको स्टीमर जिसमें मोस वगैरह बनाते हैं उसकी वराइटी काफ़ी इस तरह स्टील की जानियाँ थी ये चार चार सौ रुपये की थी इसमें लेस करवा सकते हैं फर्दर डिपेंड करता था साइज़ पे जो सबसे बड़ा साइज़ था वो मैंने पूछा था तो वो फोर हंड्रेड रुपीज़ की थी उसके अलावा सॉस सॉसपेन था ये सेवन हंड्रेड रुपीज़ का था कढ़ाई जो थी ये थाउजेंड था। रुपीज़ की इन्होंने बताई थी लेकिन ये है कि अब मैं संडे वाले दिन गई थी तो रश बहुत ज़्यादा था तो इतनी बारगेनिंग नहीं कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली मैंने दो शॉप्स का विज़िट संडे वाले दिन कर लिया था जो कि नहीं करना चाहिए तो इतना रश था कि आप अच्छे तरीके से बारगेनिंग नहीं कर सक रहे थे तो आप जाइएगा तो संडे या फ्राइडे वाले दिन नहीं जाएगा मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको ये गाइड किया था यहाँ इस शॉप पे भी आपने संडे या फ्राइडे वाले दिन नहीं जाना रश की वजह से वो बार्गेनिंग नहीं करते कहते हैं रखें और जाएं तो इसलिए आपने ये माइंड में रखना कि आपने जब भी जाना है क्योंकि ये काफ़ी अंदर करके शॉप है लाल कुर्ती में आयान बेकर्स के साथ है ये शॉप तो जाना इजी नहीं होता है तो जब आप जाएं तो माइंड में रख के जाइएगा वैसे तो इनकी शॉप पे हर टाइम ही रश होता है लेकिन संडे वाले दिन एक्स्ट्रा रश होता है Uh, तो ये कुछ बर्तन या क्रॉकरी जिस आ, आप देख रहे हैं वुडन में भी थी प्लास्टिक में भी थी और कुछ वेट मशीन्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी यानी आप जो बेकिंग वगैरह के आप करते हैं अगर तो उसके लिए भी आपको मिल जाएंगी और जो नॉर्मल वेट मशीन है वो भी मिल जाएगी इसके अलावा ये बॉक्सेस का पूरा एक सेट था मुझे बहुत अच्छा लगा था मुझे प्राइस याद नहीं है आई थिंक फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ इन्होंने बताई थी और ये फाइनल थी बारगेनिंग के बाद इसके अलावा वाटर बॉटल्स इनकी सेवन सेवन हंड्रेड रुपीज़ की थी और इसके अलावा यहाँ पर आपको डेकोरेशन की बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे सॉफ्ट डिस्पेंसर्स लाइक उनकी प्राइस पाए जो है टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज़ है यहाँ पे आपको फोर हंड्रेड रुपीज़ मिल रहे हैं उसके अलावा आपको मिल जाएंगे यहाँ पे पेपर वाला मुझे यहाँ पे वुडन में मिला था फोर हंड्रेड रुपीज़ का मिला था यहाँ पर आपको प्राइसेस बहुत अच्छी और जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी एंड फ्रेश कंडीशन में आपको नज़र आएंगी उसके अलावा डेकोरेशन की बहुत सारी प्लेट्स थी हंड्रेड रुपीज़ की जो जानी थोड़ी बड़ी साइज़ की थी टू हंड्रेड रुपीज़ की और बहुत ही बहुत ही मुनासिब प्लेट्स हैं डेकोरेशन आइटम्स के तो बहुत ही मुनासिब रेट है उसके अलावा इस तरह कुछ इन्होंने पेयर्स बना के रखे हुए हैं फ्लावर्स एंड बस वगैरह के सारे पॉट्स वगैरह के जो पेयर्स हैं ना बड़े साइज़ के वो थाउजेंड रुपीज़ की आस्किंग होती है कुछ यूनिक आइटम्स जिस तरह ड्रैगन बना हुआ था आपको यूनिक आइटम्स भी यहाँ पे काफ़ी नजर आ जाएंगे फ्रेम की वैराइटी जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बहुत सारी है हंड्रेड रुपीज़ से स्टार्ट होती है इवन के फिफ्टी पीसे भी स्टार्ट होती है क्योंकि थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो उसको ओल्ड लेस कर देते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने अभी तक डैमेज पीसेस देखे नहीं थे यानी जो उन्होंने डिस्प्ले पर लगाए हुए थे वो डैमेज नहीं थे और दूसरी इनकी एक और बात है कि ये एवरी डे फोर ओ क्लाक से ऑनवर्ट जो है ये सबके सामने जो है वो लॉट वाले जो आ, इनके बॉक्सेस होते हैं वो खोलते हैं और आप उनके हाथ से औरतें इस तरह छीन रही होती हैं कि जैसे पता नहीं मुफ्त का सामान मिल रहा है लेकिन फिर भी आ, मैं उस, उसमें पार्टिसपेट नहीं कर सकी क्योंकि मुझसे इस तरह छीना झपटी नहीं होती है तो आप अगर करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं चार बजे से अंकल ऑनवर्ट क्या है वो बॉक्सेस खोलते हैं और इनके आ, सामने आप जो भी है चीज़ें ले लें और बाद में प्राइस के निगोसिएशन जो भी है आप बाद में करवा सकते हैं इसके अलावा कप्स की बहुत वैरायटी है हंड्रेड हंड्रेड रुपीज़ के टू हंड्रेड रुपीज़ के साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है इसके अलावा कैंडल बॉक्स था ये बहुत ही प्यारा कैंडल बॉक्स मुझे टू हंड्रेड रुपीज़ का मिला है मैंने परचेज कर लिया है आप पता नहीं फ्यूचर में आपको नजर आएगा कि नहीं आएगा <laughs> आप लोगों को यहाँ पर वेरायटी बहुत अच्छी मिल जाएगी और काफ़ी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं वीडियो को मैं आपको हर आइटम को थोड़ा बहुत कवर कर सकूँ इवन दो के रश बहुत था लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरा कवर करने की कोशिश की है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी आपकी मकसद की चीज़ आपको मिलेगी कि नहीं अभी सामने वुडन पेपर ग्राइंडर पड़ा है यही मैंने परचेज़ किया फोर हंड्रेड रुपीज़ का प्राइस भी अच्छा है और कंडीशन बिल्कुल फ्रेश है और फोर हंड्रेड रुपीज़ आस्किंग नहीं थी अगेन इनकी आस्किंग ज़्यादा थी मैंने बार्गिन थोड़ा बहुत करवा के फोर हंड्रेड रुपीज़ का लिया था यहाँ पर आ गया मेकअप कॉर्नर मेकअप कॉर्नर में कुछ यूज आइटम्स भी हैं न्यू आइटम्स भी हैं लेकिन मुझे जो है कुछ लोकल आइटम्स नज़र आए थे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आइटम्स जो मेकअप के थे स्पेशली वो लोकल थे तो फिर मैंने इसलिए मेकअप में इंटरेस्ट नहीं लिया और इसके अलावा यहाँ पे आपको ज्वेलरी की काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी इसके अलावा आपको यहाँ पे इम्पोर्टेड गॉगल्स परफ्यूम्स एंड बॉडी केयर के काफ़ी सारे आइटम्स नज़र आने वाले हैं और यहाँ पर आपको इसके अलावा ऑफिस फाइल्स इसके अलावा टेबल शीट्स या कवर्स या सेपरेटर्स इस तरह की वैरायटी भी जो है आपको मिल जाती है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में एक मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी ये है पिक्चर स्टार्ट में लगी हुई हैं कार्टून्स की स्टिकर्स वगैरह उसके अलावा ये एल्बम है आपकी ये फाइव हंड्रेड रुपीज़ इसकी आस्किंग थी अगेन आपको फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड में दे देते दे हैं बहुत बड़े साइज की थी उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहें टेक केयर अला फेस